दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर राज सिंह 111। गाइस, आज बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल गई, लेकिन कुछ न्यूज़ ख़राब भी है। न्यूज़ ख़राब है रेडमी नोट 8 प्रो Mi CC9 म्यूटेड एडिशन Mi CC9 के बारे में, और अच्छी न्यूज़ है कि आपको रेडमी नोट 8 प्रो में और सभी डिवाइसेस में शाओमी के एंड्रॉयड 11 मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट जरूर करिए। ये वीडियो 100% जेन्युइन है, कोई फेक वीडियो नहीं है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, अपडेट नंबर 126 June 1 4:27 पता चला कि शाओमी के रेडमी 9 में अपडेट स्टेबल OB आ चुका है, लेकिन वो आया है चाइना में, जैसा कि आप देख सकते हो। और फिर हमें पता चला 6:39 PM पे कि एंड्रॉयड 11 का अपडेट रोलिंग स्टार्ट हो चुका है रेगुलर यूज़र जो कि है रेडमी नोट 9 प्रो ग्लोबली। तो अगर आपका डिवाइस ग्लोबली है तो आप आराम से ग्लोबल अपडेट को इंस्टॉल कर पाओगे। फिर 7:20 PM पता चला कि एंड्रॉयड 11 अपडेट जो कि है शाओमी का Mi CC9 म्यूटेड एडिशन रेडमी नोट 8 प्रो Mi 9 प्रो 5G इसमें कुछ बग्स फेसेस देखने को मिल रहे हैं, और ये कंपनी हमें बता रही है कि ये मीट नहीं कर रही है जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं एंड्रॉयड 11 पाने के लिए, वो स्टैंडर्ड्स अभी मीट नहीं हो पा रही है। तो जल्दी सबको फिक्स कर दिया जाएगा और आपको एंड्रॉयड 11 100% मिलेगा, उसकी कोई चिंता मत करिएगा। Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi CC9 Pro, Mi Note 10 स्टेबल वर्जन रिलीज़ हो चुका है हर जगह। Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite, Redmi K30 Pro, Redmi K20, Mi 90 देख सकते हैं रिलीज़ हो चुका है स्टेबल वर्जन Mi 90 को छोड़ के। Mi 9 Pro 5G, Poco X2, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Global, Redmi 9 है जैसे कि आप देख सकते हो स्टेबल वर्जन रिलीज़ हो चुका है, बस Mi 9 Pro 5G और Redmi 9A को छोड़ के। Mi 10 Ultra, Redmi K30 5G, Redmi K20 Pro, Mi A3, Redmi K30 देख सकते हैं सब जगह स्टेबल वर्जन रिलीज़ हो चुका है, सिर्फ Redmi K20 Pro को छोड़ के जल्दी इसमें एंड्रॉयड 11 आपको देखने को मिल जाएगा। Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro, Redmi K30i 5G, Redmi X3 NFC, Mi 10T देख सकते हैं स्टेबल वर्जन हर जगह रिलीज़ हो चुका है। Mi 10T Pro, Mi 9SE, Mi 9 Lite, AKA, Mi CC9 म्यूटेड एडिशन, Redmi 9, Mi 10T Lite 5G देख सकते हैं रिलीज़ हो चुका है, बस Mi 9 Lite और Mi CC9 म्यूटेड एडिशन में नहीं हुआ है। Mi 9, Mi 9 Pro, Black Shark 2, Black Shark 2 Pro, Black Shark 3, Black Shark 3S सिर्फ बीटा अपडेट रिलीज़ हुई है, स्टेबल वर्जन अभी कोई रिलीज़ नहीं हुआ है। Black Shark 3 Pro, Poco M2 Pro, Poco F2 Pro, Redmi K30 Ultra जैसा कहते हैं। Poco F2 Pro में सिर्फ स्टेबल वर्जन रिलीज़ हुआ है एंड्रॉयड 11 का और कहीं नहीं, किसी डिवाइस में नहीं हुआ है। Poco M2 Pro, Poco M2, Black Shark 3 में नहीं हुआ है। Redmi K30 Pro Zoom, Redmi Note 8, Note 8T, Redmi Note 8 Pro, Note 9S जैसा कि आप देख सकते हो Redmi Note 8 Pro में सिर्फ बीटा रिलीज़ हुआ है, स्टेबल वर्जन अभी नहीं हुआ है क्योंकि कुछ बग्स देखने को मिल रहा है। Redmi 10X 4G, Redmi Note 9 5G, Redmi K30S Ultra, Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 4G 90 और 9 Power में जैसा कि आप देख सकते हो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, Redmi Note 9 Pro 5G में रिलीज़ हो चुका है। Redmi Note 9 Pro Max, Mi 10 5G, Mi 10i जैसे कि आप देख सकते हो उसे Mi 10i में ही रिलीज़ हुआ है स्टेबल वर्जन इंडिया में। आई होप आपको मिल चुका, अगर नहीं मिला है तो कमेंट करिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, और वीडियो 100% जेन्युइन है, कोई फेक वीडियो नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Mr. Raj Singh 111 सपोर्टर्स।